नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पर देसी बॉय यूट्यूब चैनल में। आज की दो मिनट्स की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम जो है वो प्राइवेट्स के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी बच्चे जो है वो अपना रिजल्ट अपना रोल नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपना रोल नंबर कैसे डाउनलोड अपने मोबाइल से खुद कैसे कर सकते हैं। और भी अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें तो आप लोगों को बता दें कि समय की करंट अपडेट्स आप लोगों को पता है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह भी तमाम कॉलेज में स्टार्ट हो गई है। आप लोग भी अपने कॉलेज के संपर्क में रहें। थर्ड और फिफ्थ सेम की डिस्टेंस वाली एडमिशन अभी ओपन नहीं हुई, तो जब होगी हम बता देंगे। डिस्टेंस में एमए और पीजी के एडमिशन ओपन है, आप लोग ऑनलाइन एडमिशन करवाएं और फी वगैरह सबमिट करवाएं, बाकी आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे। यूट वाले भी फॉर्म फिल करें, यूट का मेरिट लिस्ट अभी आने वाला है। और बात करें तो 6M के रीवेल और 6M के डेट शीट्स भी कमिंग सून है। चैनल पर पहली बार आ रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले समय की अपडेट्स के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी जेके स्टूडेंट पर जिस बॉय को भी फॉलो करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल सबके पास होता है। गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है आपको, गूगल सबके मोबाइल में होता है, आप लोगों को सीधा सर्च करना है। आप लोगों को सर्च करना है jucc.in करना है आप लोगों को सर्च, तो सीधा आप लोगों को यहाँ पे पहुँच जाओगे। इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आप लोगों को ये दिखेगा, ये कॉलेज वाला बना हुआ, कॉलेज लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन दोनों देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन पर। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों को करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड, रोल नंबर को बोलते हैं। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कहीं थर्ड सेम प्राइवेट्स या रेगुलर्स के 6M थर्ड सेम कोई भी रोल नंबर आप लोग डाउनलोड करना है, यही प्रोसेस है। तो आप लोगों को डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो रेगुलर रिपेयर फेलियर स्टूडेंट जो भी हो, आप लोगों को सिलेक्ट कोर्स करना है। कौन सा कोर्स है, ये आपका बीए कर रहे हैं, बीए सीबीसीएस है, आप लोग हो बीए सीबीसीएस, ठीक है ना। नॉन मेडिकल वाले बीएससी वाले भी हैं यहाँ पे ऑप्शंस। तो उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर करना है, कौन सा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर है ना। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ईयर ऑफ एग्ज़ाम कौन सा है, ये 2022-23 फर्स्ट सेम प्राइवेट्स ये लिखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट आई डी 4-5 अक्षर की होती है, जो कि आपका रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर के फ़ोटो के ऊपर वाली साइड होती है स्टूडेंट आई डी, वो फिल करनी है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन रहने दो, कोड आपको फिल करना है, ये वाला कोड, ये कोड होता है ना जो MCPQ, फिर उसके बाद MCPQ कोड, तो सबमिट कर देना, आपका रोल नंबर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जो इसमें डाटा होगा उसी के ये रोल नंबर लेके आप यूनिवर्सिटी में पेपर देने आप जा सकते हैं। ये आपको पता दें फर्स्ट सेमेस्टर्स के जो पुराने बच्चे फेल हुए हैं उनका, और जो नए ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी फेल हुए हैं वो भी ट्राई करें, अगर उनका भी रोल नंबर डाउनलोड हो जाता है तो आपका भी एग्ज़ाम है। ओके, ऑल द बेस्ट।